कि दो बातें होती हैं, एक कृपा और एक पुरुषार्थ। कृपा और पुरुषार्थ, कभी कभी लोग इसको समझ नहीं पाते। हम लोग ये समझते हैं कि भाई जब कृपा ही सब कुछ कर रही है तो हमें करवे की क्या जरूरत है, और फिर यदि हम ही सब कुछ कर रहे हैं तो फिर कृपा की क्या जरूरत है। ऐसा लोग जो है अज्ञानता बस, नादानी बस चिंतन करते हैं। हमारा कहना यह है कि टीचर जब हमें जो नंबर प्राप्त होते हैं परीक्षा के बाद, एग्जाम के बाद, कौन देता है? टीचर देता है। जो परीक्षा को चेक करता है वो देता है, लेकिन वो क्या अपनी जेब में से निकाल के देता है? हमने जो किया है उसी रॉ मेटेरियल से वो हमको बना करके दे देता है। जितनी हमारी जो मेहनत थी, औकात थी, उसके अनुसार पर, उनके अनुसार ही हमें नंबर मिले। नंबर लेने में हम स्वतंत्र नहीं है, लेकिन परीक्षा देने में, पढ़ने में हम स्वतंत्र हैं। हम एक चीज में स्वतंत्र हैं और एक में परतंत्र हैं। ऐसे ही हम कर्म तो करेंगे लेकिन उसका परिणाम हम स्वयं नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है? यदि हमारा परिणाम हमारे ऊपर छोड़ दिया जाए तो फिर डिक्टेशन लाएगा ना सभी आदमी, सभी बच्चे, फिर सेकंड डिवीजन कोई नहीं होगा। चाहे बाप कछु आवे चाहे नहीं आवे, तो सेकंड डिवीजन क्यों होंगे जब हमारे ही हाथ में परीक्षा को परिणाम दे दो जाएगा। भाई साहब तो नंबर ले लो, अच्छा फिर क्या पढ़ाई हो जाएगी? न तो पढ़ाई होगी और न कोई सेकंड डिवीजन आएगा। तो एक इतना बड़ा खराब माहौल क्रिएट होगा कि सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसे ही जो हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, परमात्मा की कृपा से जो हमें प्राप्त होता है उसमें हमारी मेहनत काम करती है, लेकिन बिना कृपा के काम नहीं करती है। कर्म करना हमारा काम है, लेकिन उसका आभार माने कि वो थोड़ी सी कृपा अपनी बनाए रखे तो परिणाम अच्छे आ जाएंगे। और हमने कितनी मेहनत करी हो लेकिन जा टीचर के हाथ में कॉपी पहुंच गई, जाते हमारी कभी बनी ना है, तो कितना परिणाम अच्छा आवेगो? अब तो नहीं है, वो तो कॉपी पेन चलने लगे। शुरू से ही पहले बड़ी पट्टी रहती पढ़वे की, काठ की, बाकी एक हत्ता रहे तो पकड़वे को, जानते होंगे आप लोग, पट्टी रहती। तो कछु ऐसे ऐसे गामन के बालक होता है कि ज्यादा यदि मास्टर ने कछु कहा सुनी करी तो पट्टी मुड़ ही दे के भाजा दे, फिर चाहे पढ़ाई हो चाहे नहीं हो। ऐसे जाम कछु लोग बैठे होंगे, वैसे जी हमारा भेड़ी गाँव तो अच्छा है, लेकिन बाहर की इनकी बात कर रहा हूँ, है कि पट्टी दे के। तो अब यदि तुम फिर कितनो अच्छो पेपर करके आओ, ऐसा आदमी खुंस खायो भयो, फिर कितने अच्छे नंबर दे देगो, है लेने के देने पड़ जाएंगे ना। तो ऐसे यदि भगवान का आभार नहीं है जीवन में, भगवान से हमारा प्रेम नहीं है, तो कर्म भी वो फल नहीं दे पाएगा जो कर्म का फल मिलना चाहिए। हम पढ़ने में बड़े कमजोर थे, हम हाई स्कूल में फेल हुए, फिर दोबारा हमने पेपर दिए, फिर जब इंटर की परीक्षा दी तो हम 33 में, मेरे 33 ही नंबर थे, खुले मंच से रिकॉर्डिंग हो रही मैं बता रहा हूं, 33 में 33 परसेंट, 100 में जो 33% पे पास होते हैं ना, 33% ही नंबर थे। तो अब मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, 33% जो नंबर आए होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक आध परसेंट कहीं कमी भी रही होगी, तो काउ ने कृपा करके जो सोची होगी कि बेचारो एक आध नंबर थे रह जागो, चलो जाए पार कर दो, ताते खेच कड़ेर के पार रह गए होंगे। कृपा के बिना काम चलता नहीं है, हैं? कृपा के बिना यदि किसी के 33% आ रहे हैं तो खेच कड़े रह के आ रहे हैं, ईमानदारी के नहीं है, है ना।
मेहनत करे कोई कितना भी लेकिन परिश्रम करे कोई कितना भी लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। कृपा के बिना काम चलता नहीं कर रहा हूं। अंगुली लगी है ना भगवान की नीचे, गोवर्धन के नीचे, वो दिख तो बहुत कम रही है लेकिन सब दार मदार उसी पे है। लठिया लगी है, लठिया दिख रही है पर गोवर्धन उन पे नहीं टिका है। ध्यान रखिएगा, ये लठिया पुरुषार्थ है और उंगली कृपा है, है? आप सब लोग अनुभवी हो, जो प्रोफेसर लोग होते हैं ना, प्रोफेसर कभी कभी ऐसा व्यक्ति कॉलेज खोलता है पैसा के बल पे जो खुद अंगूठा छाप होता है, लेकिन उसके अंडर में प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं। मैंने देखा है कई जगह कि एक दिन एक व्यक्ति कॉलेज का ओनर था और एक बहुत अच्छा स्वभावशील का जो प्रोफेसर था उसे डांट रहा था। वो प्रोफेसर आकर के मेरे पास रोया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये दो कोड़ी का नापड़ व्यक्ति है लेकिन भगवान ने इसे कहाँ बिठा दिया, ऑनर की जगह। मैं अपनी पढ़ाई पर रोता हूँ कि मैंने पढ़ाई क्यों की। तब मैंने उसे बताया कि कोई ना कोई इसका किया हुआ है जो कृपा से मिला है। तुमने मेहनत तो की है, कहीं ना कहीं कृपा की उंगली थोड़ी सी कमजोर रह गई है, कोशिश करिएगा। अमित बासुना
है बिना मन संभलता नहीं है, अनुग्रह बिना मन संभलता नहीं है। पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल, पुरुषार्थ के बल पर बचना है मुश्किल। श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, श्री हरि के सेवक जो छल छोड़ बनते, उन्हें फिर ये संसार चलता नहीं है, फिर उन्हें ये संसार चलता नहीं है। मेहनत करे कोई कितना भी लेकिन, मेहनत करे कोई कितना भी लेकिन, कृपा के बिना काम चलता नहीं है, कृपा के बिना काम चलता नहीं के बिना काम चलता।